हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D. 3D में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आप करते आए हैं ना अभी तक 1D के अंदर, 2D के अंदर, लेकिन 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होगी? मैं ज़्यादा ही दूर की बातें नहीं करूँगा. इधर उधर की बातें मीन मैं कंपेयर करता पहले 9th क्लास से, 10th क्लास से, कैसे ऐसे इक्वेशंस बढ़ी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़े. अगर हम थर्ड वेरिएबल लेके आते हैं तो इक्वेशन प्लेन की दिखेगी. वो बातें मैं नहीं करा. मैं सिंपली आपको इस वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो सिखा रहा हूँ. ओके, आइए बेटा. सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. किसी को मान लो एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वैसे एक्स वाई जेड. एंड दिस वन बी ए लाइन, दिस वन बी ए लाइन. ये कोई भी एक लाइन होता, इनफाइनाइट तो होती लाइन, तो लाइन है कोई भी. मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी. इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, यहाँ कोई भी एक पॉइंट है, से पॉइंट पी, से पॉइंट पी, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया. ये वैक्टर आ गया, इस P का पोजिशन वैक्टर आ गया. ये बोलिए P का पोजिशन वैक्टर है ये, बिल्कुल. तो मैं इस पोजिशन वैक्टर को R वैक्टर बोल दूँ, वैक्टर R से. देन फिर मैंने क्या किया, ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया मैंने, इस पर आर्बिट्रेरी से द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P R X Y Z से. मैंने मान लिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, X Y Z. और एक इस लाइन का पासिंग पॉइंट लिया मैंने, एक इस लाइन का पासिंग पॉइंट लिया. पासिंग पॉइंट मीन्स उस पॉइंट का मुझे पक्का पता है कि इसके कोऑर्डिनेट ये हैं. P पॉइंट का मुझे कुछ नहीं पता, ये वेरिएबल पॉइंट है. वेरिएबल मीन्स इस पॉइंट को मैं इस लाइन के ऊपर कहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं जिसको पासिंग पॉइंट लेने जा रहा हूँ ना वो फिक्स है अपनी जगह पे. सो इस पॉइंट को आप मान लो से Q, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी X1 Y1 Z1. मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट क्या है, X1 Y1 Z1. राइट बेटा, ये होगा मेरे पास पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट Q. Q का पोजिशन वैक्टर मैं इसको ए नाम दे दूँ, दे सकता हूँ ये नाम, मैंने इसका नाम ए रख दिया. अब देखिए बेटा, एक काम और किया मैंने, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो लाइन है ना ये किसी एक वेक्टर के पैरेलल है. कोई एक वेक्टर है उसके ये लाइन पैरेलल है. वो वेक्टर क्या मान लिया, से बी. बी इज द वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है, मान सकते हैं ऐसे बोलिए, ठीक है ना. वो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो बेटा, आपकी मर्जी, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो आप. मैंने ये डायरेक्शन ली इसकी, मैंने इसकी डायरेक्शन ये ले ली, चलो ये डायरेक्शन ली मैंने. आपकी बुक से रिजल्ट मैच हो जाएगा, इसलिए किया ऐसा. ओके, अब देखिए इसके पैरेलल ये है तो मैंने इतने मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, सॉरी इसी के पैरेलल ये हो गया, क्योंकि लाइन इसके पैरेलल है तो ये इतना हिस्सा भी इसी के पैरेलल होगा. डायरेक्शन इसकी क्या होगी, बी की. मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, इट मे बी इक्वल टू बी, इट मे बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी, मे बी लेस देन बी, मे बी ग्रेटर देन बी. इट मीन्स होगा कोई ना कोई बी का मल्टीपल. तो मैं इसको ऐसे बोल दूँ, दिस वन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लैम्डा बी. लैम्डा बी का मतलब क्या, अभी डायरेक्शन तो बी की है, बी के मैग्नीट्यूड को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, वो कम ज़्यादा सब कुछ लैम्डा करेगा. राइट, समझ गए बेटा. अब देखिए दिस वन इज ओरिजन, ऑब्जर्वर पॉइंट. नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. ये आ गया बेटा, सही है बात, बिल्कुल भाई ऐसे इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है. तो जो सेम ऑर्डर में वेक्टर होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा, अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल. तो ये आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी इक्वेशन आ गई. इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D. 3D के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन है जो उसकी फॉर्म वेक्टर फॉर्म. क्लियर है, तो इतना ही कंसेप्ट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी कार्टेशियन फॉर्म करेंगे. ओके बेटा.